वालेकुम इसमें हम कीपा uh, में एक uh, बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है जो अक्सर लोग नेगलेक्ट कर जाते हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ काफी सारी अपनी डिस्कशंस में और पोस्ट में कि कीपा एक इंतहाई पावरफुल टूल है इंतहाई आई I मीन mean, आपको किसी और टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी एज लॉन्ग एज के आप कीपा को अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीख लें तो कीपा में आप आ जाते हैं पहले तो हमने प्रोडक्ट फाइंडर तो हमने बारहां यूज किया है और काफी सारी वीडियोस मैं इसके ऊपर बना भी चुका हूं एक यहां पर है बेस्ट सेलर्स लिस्ट हम इसमें और टॉप सेलर लिस्ट भी है दोनों यूज कर सकते हैं अभी फिलहाल बेस्ट सेलर्स पे हम जाते हैं ये डॉट कॉम पर मैं कर रहा हूँ यही काम हम डॉट सी यानी कि कैनेडा यूके और भी जगहों पे कर सकते हैं और हम करके देखेंगे भी फिलहाल यूएस में चलते हैं अच्छा ये आपके पास ऊपर सारी कैटेगरीज आ गई हैं Uh, कोई भी कैटेगरी पकड़ लें जो आपको लगता है कि आपके पास अगर उससे रिलेटेड रिटेल वेबसाइट अगर बनी हुई है तो वो कर लें नहीं तो फिर वैसे ही अपनी रिसर्च कर रहे हैं तो किसी भी कैटेगरी में चले जाए फर्क नहीं पड़ता तो uh, सबसे पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ uh, कोई भी ले लें ऑटोमोटिव में हम फिलहाल चले जाते हैं अच्छा ये करंट है मैं इसको चेंज करके थर्टी डेज एवरेज कर देता हूँ यानी कि ये बेस्ट सेलर्स आ रहे हैं थर्टी डेज एवरेज के और थाउजेंड रोज ये लेकर आ रहा है हमारे पास अब हमें इसमें करना क्या है ये आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल के ऊपर सारे इसके कॉलम्स यानी कि जितना अभी भी ये सारे कॉलम्स नहीं आ रहे हैं कॉन्फिगर कॉलम्स में आप जाते हैं तो देखें यहाँ पे काफी सारे कॉलम्स हैं जो डिसेबल्ड हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा डिटेल में इसकी हमें इतनी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है ठीक है अब थाउजेंड हमारे पास का ये डेटा आ रहा है अब इसको फिल्टर कैसे करें फिल्टर करने का सिंपल सा तरीका है यहाँ पर Uh, अब ये देखें ये ये जो न्यू ऑफर काउंट आ रहा है इसमें यहाँ पर एक एक दो एक दो इस तरह आ रहे हैं अच्छा एक को तो हम वैसे प्रेफर नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं कि हो सकता है कि एक जो है वो प्राइवेट लेबल हो या अकेला अगर अमेजोन भी बैठा है तो भी हमारे काम का नहीं होगा तो हम क्या करेंगे कि हम नाइन्टी डे एवरेज वाले में जाएंगे और इसको यहाँ से ग्रेटर देन और इक्वल्स अच्छा दो हैं ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इक्वल्स ये इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि अगर आ, दो या दो से ज्यादा सेलर्स हैं ऑफर्स हैं इस वक्त तो उनको दिखा दो मुझे सिर्फ बाकी सबको छोड़ दो तो ये बाकी सबको हटा देगा जो वन वाले थे उनको हटा देगा और दो या दो से ज्यादा वाले यहां पर ले आएगा अच्छा अब आपको ये भी तय करना है कि क्या अमेजॉन बैठा है या नहीं तो ये यहाँ पर दिखा रहे हैं बायबॉक्स सेलर एमेजॉन ठीक है अच्छा बायबॉक्स इज एफ बी एफ बी ए नहीं है तो ये चेक नहीं लगता बहरहाल ये सारे अमेजोन वाले हैं तो मैं ये कहता हूं कि मैंने यहां से जाके इसको Amazon को भी इग्नोर तो तो करना पड़ेगा लेकिन फिलहाल के लिए ये वाली प्रोडक्ट्स आ गई अच्छा अब आ जाते हैं हमें प्राइस का जो एक मामला होता है कि प्राइस इसमें क्या लिखे हुए एक तो ये सेल्स रैंक है जो कि एक्सट्रीमली अभी तो ऊपर तो हाई वाले दिखा रहे हैं क्योंकि बेस्ट साल में अच्छा प्राइसेस जो है वो लिस्ट प्राइस इस वक्त हमारे पास यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे कहीं बाय बॉक्स प्राइस भी आ रहा होगा अच्छा ये वेट भी है हमारे पास कॉलम्स जैसे मैंने आपको बताया कि काफी सारे हैं जिसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं वो भी हम थोड़ा सा क्विकली देख लेंगे ये आ रहे हैं लिस्ट प्राइस अब जैसे मैं प्रेफर करता हूं मेरी आदत है कि मैं कोशिश करता हूं कि पंद्रह डॉलर से नीचे कम से कम कोई ऐसी आइटम ना पकड़ूं जो कि पंद्रह डॉलर से नीचे है जिसके प्राइस ऐसा नहीं है कि हमें करना ही नहीं है हम कर लेते ऐसा कोई मसला नहीं है इसके अंदर और बिल्कुल कंसिडर किया जा सकता है अच्छा दो सेलर्स भी हैं तो बाजा ऐसा होता है कि एवरेज में भी दो सेलर्स आ रहे हैं तो उसका मतलब ऐसा भी होता है कि एक ही हो सकता है अमेजॉन का सेलर हो और प्राइवेट लेबल हो और दूसरा जो सेलर या तो उसकी अपनी ऑफर हो सकती है या फिर वो जो है अमेजॉन वेयरहाउस में बेच रहा हो ऐसा भी हो सकता है तो आप इसको क्लिक करके अमेजोन के आइकॉन को लोगों को देखेंगे तो उसमें आपको आ, पेज पे वो ले जाएगा और यहाँ पे देखें अब ये तीन सेलर्स अब हमें दिखा रहा है तो तीन सेलर्स में कौन कौन है ये भी चेक कर लेते हैं तो ये used है और ये न्यू है इसके अंदर ये बता रहा है स्पेयर हेड ठीक है ये फ्रैक्टल ग्रुप कोई इसका नाम है इस वाले का नाम भी फ्रैक्टल ग्रुप है तो बेसिकली ये वही है ऐसा लग रहा है कि ये प्राइवेट लेवल है बहरहाल हम इसको इग्नोर करते हैं अच्छा ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर ये देखें आप तेरह लोग एवरेज में नाइन्टी डेज में एवरेज में तेरह लोग बैठे थे अभी छह लोग हैं तो ये इसकी प्राइस है सिक्सटी वन और एमेजॉन जो है वो 90 डेज के अंदर आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है 8 परसेंट का इसका एवरेज है यानी कि अमेजॉन पिछले दिन, दिनों में बैठा रहा है लेकिन 8 परसेंट ऐसा टाइम था नब्बे दिन के अंदर कि अमेजॉन आउट ऑफ स्टॉक गया था ठीक है ये कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 100 परसेंट जिसमें बता रहा है इसका मतलब हो सकता है कि अमेजॉन कभी आया ही ना हो जो कि ज्यादा अच्छी बात है और ये भी हो सकता है कि वो प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग हो इसलिए भी अमेजॉन कभी नहीं आया वहां पे तो ये भी एक चीज इसमें हो सकती है अच्छा रेटिंग को भी आप चाहें तो यहाँ से जैसे मैं कहता हूं कि रेटिंग जो है वो ग्रेटर देन फोर हो तो हम यहाँ से या हो तो उसको भी लगा सकते हैं तो जो उससे कम रेटिंग वाली चीजें हैं वो हट जाएंगी अच्छा इसको मजीद अभी चूंकि ये वाला क्लॉज ना है बीच में कि जी अगर दो दो हैं तो uh, हो सकता है वो शिपर और oh, सॉरी प्राइवेट लेबल हो तो मैं इसको तीन कर देता हूं फिलहाल के लिए ठीक है तो और रिजल्ट्स जो है वो शॉर्ट हो गए अब ये सेवन लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं तो चांसेस हाई हैं कि इसके अंदर मैं जो है इसको आ, बेच सकूं इसी तरीके से बेसिकली जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है ना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारा यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं और फिर इस लिस्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये सारी वो प्रोडक्ट्स आपको निकाल के दे देगा कीपर जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं अच्छा अमेजोन का जो ये परसेंटेज आ रहा है इसको आप यहां से इसे भी चेंज कर सकते हैं अः ग्रेटर देन इसको आप कर दें फॉर एग्जाम्पल हम कर देते हैं ग्रेटर देन टेन परसेंट तो अब वो वाली आइटम दिखा दो मुझे जिसमें अमेजॉन ग्रेटर देन टेन परसेंट आउट ऑफ स्टॉक रहा है अब ये देखें ये वाली एक प्रोडक्ट आ रही है राइट साइड पे इसका कीपा का ग्राफ भी आ रहा है इसमें दिखा रहा है कि अमेजॉन ज्यादा देर तक बैठा रहा है अब ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके अंदर ये और ज्यादा जा, देर तक आउट ऑफ स्टॉक हो वो कैसे निकालेंगे तो ये अमेजोन का जो 90 डेज का ओ ओ एस है अब उसको मैं 10 परसेंट से बढ़ा के 40 परसेंट कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल अच्छा हंड्रेड परसेंट वालों को मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं कि ये शायद कहीं ना कहीं ये प्राइवेट लेवल होंगे इसलिए मैं अभी नहीं जाता जैसे ये देखें सिक्सटी फोर परसेंट आ रहा है इसके ऊपर अगर मैं माउस ओवर करता हूं तो ये देखें अब इसमें दिखा रहा है कि अमेजोन काफी ज्यादा आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर और इसका वेट देख लेते हैं अच्छा वेट तो आ ही नहीं रहा इसका तो इसी तरह जैसे ये 52 परसेंट है इसका हम देखते हैं ये भी काफी ज्यादा इसमें चांसेस है <coughs> लेकिन इसकी प्राइस जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उससे कम है तो फिलहाल के लिए मैं यहां पर भी एक चेक लगा देता हूं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फोर्टीन अब ये इससे 14 से नीचे वाली प्रोडक्ट्स भी इसने सारी हटा दी है और ये वो प्रोडक्ट्स ले आया है जो uh, से ऊपर की है सेलिंग प्राइस लेकिन ये काफी कम कर दी है जो कि ठीक है कोई बात नहीं हमें अभी फिलहाल तो अच्छी चीजें चाहिए ना कह लेंगे मलाई खानी है तो वो मलाई आपको यहाँ से निकल के निकाल के दे देगा वो अब ये इसमें नाइनटी फोर परसेंट अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक रहा है ये देखें शुरू की इसकी लाइन आ रही है मतलब एंड में इस करीब करीब में अमेजन आया है और फिर चला गया है और इसमें तेरह लोग बैठे हुए हैं और अगर आप इसको ओपन करके देखते हैं आ, ए पे क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट ओपन करके दिखा देगा तो ये कोई स्प्रे है और एरोसोल क्लियर हाई ग्लॉस ग्लैमर तो बहरल ये प्रोडक्ट को आप अगर एज एस लॉन्ग एज के आप सोर्स कर सकते हैं तो जबरदस्त है अब हम इसको फिलहाल ओपन करके देख लेते हैं इसमें एफ बी एक है और बाकी ये कह रहा है कि एफ बी एम हैं टूल डील्स और इसको हम प्राइम का चेक में हटा के देखता हूं तो और कौन कौन आ रहा है इसमें अच्छा तो यहां से जाके देख लेते हैं नहीं मान रहा तो क्या कर सकते हैं अब ये सारे आ गए अब ये देखें इसमें आपके पास काफी सारे और भी लोग हैं इसका मतलब ये लोग बेच रहे हैं ये जैसे फॉर एग्जांपल ये टीसीपी वाला है इसके पास जो सात सौ साठ पीसेस पड़े हुए हो सकता है ये ड्रॉपशिप कर रहा हो सकता है इसके अपने पास स्टॉक और रेटिंग इसकी बहुत अच्छी है नाइन्टी सिक्स परसेंट पॉजिटिव रेटिंग है और तीन लाख से ज्यादा इसके पास रिव्यूज है फीडबैक है तो ये डोमिनेट कर सकता है बाय बॉक्स को तो अगर पहले तो आपको ये देखना है कि जी ये बाय बॉक्स को डोमिनेट करेगा या नहीं तो यहाँ डेटा में आ जाए जैसा मैंने पहले भी बताया है इसके अंदर हम आ जाते हैं ऑफर बाय बॉक्स स्टैट्स के अंदर बाय बॉक्स स्टैट्स के अंदर हम आ जाते हैं और uh, मुझे ये देखना टीसीपी ग्लोबल वाले का बाय बॉक्स का क्या स्टैटिस्टिक है तो टीसीपी टीसीपी तो ये हिस्ट्री में uh, हमें देखना पड़ेगा अभी नाइन थर्टी डेज में तो ये नहीं आ रहा है नाइनटी डेज के अंदर आया है या नहीं आया है ऐसा लग रहा है कि ये रिसेंटली इस ने ज्वाइन किया है तो इसलिए कीपा के पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है अलबत्ता फोर्टी फाइव परसेंट टूल डील्स वाला लेके जा रहे है अब आप देखें कि इससे आपको ये साबित हो रहा है कि टूल डील्स वाला जो कि सिर्फ और सिर्फ एफ बी ए कर रहा है अकेला ये फोर्टी फाइव परसेंट बीबी लेकर जा रहा है बायबॉक्स लेकर जा रहा है बाकी सारे लोगों के पास इससे वे वो शेयर हो रहा है आर एंड ई पेंट एंड सप्लाईज है और uh, ये वाला है ये इसकी चूंकि प्राइस काफी कम है इसकी वजह से इसको थर्टी वन परसेंट मिल रहा है बाकी सबको uh, बहुत ही कम शेयर मिल रहा है क्योंकि वो सारे एफ बी एम कर रहे हैं तो एफ बी एम की गुंजाइश यहाँ पे इस वक्त नहीं है बहरहाल ये इससे हमें ये पता चल गया कि अगर हम एफ बी ए करते हैं तो हमारे पास ये तो बहुत अच्छा चांस है कि चूंकि जो FBA के पास जा रहा है एक टूल डील्स वाले के पास तो तकरीबन ट्वेंटी मैं समझता हूँ कि ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट तक हमारे पास भी ट्वेंटी uh, परसेंट uh, तक हमारे पास बायस uh, आएगा अच्छा टूल डील्स वाला वैसे पुराना सेलर है एक लाख तकरीबन पचासी हजार के करीब इसके पास रिव्यूज हैं, 97% परसेंट रेटिंग है अगर आप नए सेलर हैं, तो आपको कम मिलेगा बॉक्स इसके मुकाबले में इवन दो आप प्राइस इससे मैच करेंगे तो भी तो ये चीज आपने जहन में रखनी है और उसके हिसाब से इसे टेस्ट करना है ठीक है तो ये इसमें पोटेंशियल बहुत है बहुत सारी कैटेगरीज यहां पर आ रही हैं टॉप के ऊपर ये ऑफ कोर्स जिनमें हम काम नहीं करते हैं जैसे किंडल स्टोर है इस वक्त इस पर्पज के लिए वीडियो गेम्स हैं वहीकल्स हैं ये सब चीजें छोड़ के जैसे स्पोर्ट्स है बेबी प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ एंड हाउस होल्ड है हैंडमेड ग्रोसरी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर आप जाके ये चीजें देख सकते हैं ठीक है